नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन हिंदुस्तान और मैं आपके साथ वंशिका पांडे। कोरोना संक्रमण की वजह से जहां देश के अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन का दौर चल रहा है, लोगों को फल सब्जी किराना भी सही से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो वहीं ऐसी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार का अनोखा फैसला सामने आया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराब की होम डिलीवरी कराने का फैसला लिया है, जिसकी शुरुआत कल से यानी कि 10 मई से होने जा रही है। आइए देखते हैं इस पे बुलेटिन हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। ये जानते हुए कि शराब एक इंसान की जिंदगी के लिए कितनी घातक है और शराब का सबसे ज्यादा असर इंसान की किडनी पर पड़ता है, इसी शराब की वजह से देश में कितने अपराध बढ़े हैं और इस शराब ने न जाने कितने लोगों के घर भी बर्बाद कर दिए हैं। और इन सारी बातों को जानने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार का शराब की होम डिलीवरी कराने का फैसला बेहद ही आपत्तिजनक है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी सरकार के इस फैसले पर निशाना साधा है और कहा है कि बघेल सरकार को बधाई दीजिए कि देश की पहली सरकार है जो आपके घर शराब की होम डिलीवरी कराएगी। आपके घर राशन, दवाई, वैक्सीन पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन शराब जरूर पहुँचेगी। साथ ही सरकार के इस फैसले पर प्रदेश की जनता ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं प्रियंका मिश्रा, आम आदमी पार्टी से, रायपुर छत्तीसगढ़ से। मेरी एक सवाल है भूपेश सरकार से कि उन्होंने अभी एक नया नियम निकाल दिया है कि जो शराब है वो होम डिलीवरी होगी घर घर तक। भूपेश सरकार जो है वो होम डिलीवरी शराब की कराना चाहती है, लेकिन राशन की नहीं कराना चाहती, दवाइयों की नहीं कराना चाहती। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम वैक्सीन लगा रहे हैं लोगों से कोरोना से बचाने के लिए, दूसरी तरफ ये शराब घर में भेज रहे हैं। और जानकारों का कहना है, कुछ डॉक्टरों का कहना है कि जब वैक्सीन लगेगा उसके एक दो महीने तक तो कम से कम शराब का सेवन कोई ना करे, तभी वो वैक्सीन काम की है। तो एक तरफ ये क्या कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये कर क्या रहे हैं? ये भूपेश सरकार का सलाहकार कौन है जो इनको गलत सलाह दे रहा है और ये गलत छत्तीसगढ़ के साथ कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ की आवाम को ये सुरक्षा करने के बजाय उनको मौत के मुंह लगाना चाहते हैं शराब घर घर पहुँचा करके। तो मैं चाहती हूँ कि भूपेश सरकार अपना एक स्टैंड क्लियर करें या जानकारों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें कि शराब पीने से क्या है और शराब नहीं पीने से क्या है, और वैक्सीन लगाने के बाद उनके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, उसको कैसे, जो वैक्सीन लगाएंगे वो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि शराब पीने का क्या है ये मुद्दा। तो यही है, क्योंकि ये शराब जो है इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करती है, ये जानकारों का कहना है। तो बस मेरा यही सवाल है भूपेश सरकार से कि ये दोहरा चरित्र क्या है इनका। नमस्कार, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के नेता राज सभी को नमस्कार। और आप लोगों से निवेदन और कुछ सलाह कि छत्तीसगढ़ की नेतागिरी, आपने छत्तीसगढ़ पे कोरोना महामारी में भयंकर कृपा करी। आपने इस महामारी को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत के साथ छत्तीसगढ़ में क्रिकेट मैच करवाया। जब यहाँ भी आपका पेट न भरा तो आप इस से आगे चले और आप आसाम के चुनाव में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को झोंक करके और हजारों लोगों का छत्तीसगढ़ से आसाम जाना और आना और किसी प्रकार के मेडिकल प्रिवेंशन का न ध्यान रखना, यह भी आपने कृपा किया। इसके बाद आप इससे भी बड़ी कृपा छत्तीसगढ़ियों पर करने के लिए सामने आते हैं और कहते हैं कि अब वैक्सीन पे भी आरक्षण होगा। अब वैक्सीन पे भी आरक्षण होगा, अब वहाँ के आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद, इस कृपा को करने के बाद फिर आपको स्मरण हो आया कि अभी छत्तीसगढ़ पे ज़्यादा कृपा करना और आवश्यक हो गया है। तो आपने सबसे बड़ी कृपा करी कि कोरोना जैसे भयंकर त्रासदी के काल में जहाँ पर एल्कोहल भयंकर खतरनाक है इम्यूनिटी के लिए, मदिरा इम्यूनिटी के लिए बहुत डेंजर है, यह हमारा मेडिकल साइंस करता है, आपने मदिरा की दुकान घर घर खोलने की तैयारी कर ली। वास्तव में जो आपकी मनसा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों के प्रति है वह इस कार्य से स्पष्ट नजर आती है। जब इम्यूनिटी के बिना कोरोना से लड़ पाना संभव नहीं है तो इस कालखंड में घर घर दारू भिजवाना ये आपकी किस मनसा को स्पष्ट करता है या जनता समझ रही है, देख रही है? लोगों को दारू पिलवा करके आप कौन सी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हैं? लोग को दारू पिलवा करके छत्तीसगढ़ का कौन सा विकास आप करने वाले हैं? हम आपसे जवाब चाहते हैं और जवाब के साथ साथ आपकी इस घटिया नीति का विरोध करते हैं और साथ ही साथ
आपसे भी आपका इस्तीफा मांगते हैं। यदि छत्तीसगढ़ आपसे नहीं संभल रहा है तो किसी अन्य विद्वान को अवसर दीजिए, आप कुर्सी छोड़िए। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम रोशनी सेठी है एंड सरकार ने जो अभी होम डिलीवरी अल्कोहल की परमिशन दी है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि ये जो कोविड स्ट्रैन है ये हमारे लंग्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है एंड अल्कोहल लंग्स के लिए बहुत हानिकारक है। और वैसे भी पोस्ट कोविड और पोस्ट वैक्सीनेशन अल्कोहल डॉक्टर के द्वारा स्ट्रिक्टली मना किया गया है, तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि वो ये परमिशन वापस लें। नमस्कार, मेरा नाम सोना मरूरा है। मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि ये जो आपने अभी अल्कोहल की होम डिलीवरी स्टार्ट करी है इसे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ऑलरेडी युवा लोग इतना ज़्यादा नशे की ओर जा रहे हैं एंड अभी युवा लोगों का टीकाकरण स्टार्ट हो चुका है, जबकि हमें पता है कि कोरोना होने के बाद भी अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है और वैक्सीनेशन के बाद भी अल्कोहल कंजम्पशन मना है। तो प्लीज़ मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि इसे बंद कर दीजिए होम डिलीवरी, तभी कंट्रोल में आएगा सारी चीज़ें और तभी ये चीज़ नशे वाली जो हमारा जो इतना बड़ा मुद्दा है कि नशे में धो धो कर लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी। तो मेरी दिल से गुजारिश है प्लीज़ ये स्टेप लीजिए, थैंक यू। मैं डॉक्टर विप्लव बंदोपाध्याय, मेरे सुनने और देखने वालों को कोविड के समय में सावधान रहने के लिए परामर्श और ढेरों शुभकामनाएँ कि आप स्वस्थ रहें। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो निर्णय लिया है जिसमें लोगों को घर तक होम डिलीवरी शराब की जाएगी, अल्कोहल की जाएगी, इसके बारे में मेरा कुछ मत है जो कि मैं बताना चाहूँगा। ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ देश के सबसे ज़्यादा शराब का सेवन करने वाले राज्यों में से एक है और यहाँ के 35% वयस्क शराब का सेवन करते हैं। अब ये किसी को मैं भाषण नहीं देना चाहूँगा कि शराब का सेवन पाप है कि नहीं, ये इंसान को खुद को तय करना है कि शराब का सेवन खुद के स्वास्थ्य के लिए और समाज के लिए हानिकारक होता है। थोड़ा सा शराब भी आपके पूरे तंत्र को अव्यवस्थित कर सकता है, लीवर कैंसर की संभावना बढ़ जाती है और दूसरी कई सारी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, ये सब बढ़ सकती हैं। पर जो लोग बहुत ज़्यादा शराब लेते हैं, बहुत ज़्यादा शराब लेने का मतलब है हर दिन करीब 6 पैग शराब पीते हैं और महीनों से पीते आ रहे हैं और जिनकी ज़िंदगी शराब के बिना नहीं चलती है, ऐसे भी कई लोग हैं जिन तक हमारा स्वास्थ्य सिस्टम पहुंच नहीं पाया है और दूसरी बात वो व्यक्ति भी शराब छोड़ना नहीं चाहते। तो अब कोविड का समय है, शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं, ये ज़रूरी भी था, पर हमको ये देखना होगा कि शराब के सेवन करने से वंचित व्यक्तियों में अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम नाम का एक बीमारी पैदा हो जाती है जिसमें इंसान कंफ्यूज्ड हो जाता है, कई तरह के की प्रॉब्लम उसको होती है जिसमें उल्टी है, सिर दर्द है, नींद नहीं आना और शराब की बहुत ज़्यादा तलब, इवन उसको झटके आ सकते हैं और वो कोमा में जा सकता है। ऐसी हालत में वो शराब ढूंढता रहता है, उसको शराब मिलती नहीं है, तो फिर वो दूसरे जो माध्यम है, सैनिटाइज़र पीने से कई लोगों की जैसे मौत हुई है, उसमें मिथाइल अल्कोहल होता है। तो ये मिथाइल अल्कोहल या अलग तरीके से दूसरे तरीके से प्राप्त किए गए काला बाजार होकर के आए हुए शराब के सेवन करता है और कई लोगों की मौत छत्तीसगढ़ में भी हो चुकी है। तो इस समय में इलाज यही है कि उनको थोड़ी मात्रा में शराब हर दिन दिया जाए और उन्हें समझाया जाए कि भाई
शराब आपके लिए अच्छी बात नहीं है, आपको शराब छोड़ देनी चाहिए, परंतु इस शराब के पाप से निपटने के लिए समझाइश की ज़रूरत है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है, जो अभी कोविड के वक्त में करना संभव नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार का ये निर्णय कि शराब की होम डिलीवरी की जाए, इस निर्णय को हम सही कहेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोगों को शराब पीना चाहिए और सरकार होम डिलीवरी कर रही है तो सही कर रही है इसलिए कि शराब को बढ़ावा देना चाहती है, पर ये उन लोगों के लिए जीवनदायक है, ये विज्ञान कहता है। और अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम से बचने के लिए और ऐसे लोगों को पहचान की जाए बाद में जो शराब होम डिलीवरी से मंगवाते हैं, उनकी सरकार पहचान करे, उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और डी एडिक्शन सेंटर में भेजा जाए, ये ज़रूरत है। ये कह देना कि शराब पीना एक पाप है, और विज्ञान को भी देखना होगा, हम अवैज्ञानिक नहीं हो सकते। तो कोविड के समय में जहाँ वैज्ञानिक चेतना उत्पन्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नेशनल लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक अविज्ञान ही पसरा हुआ है, और ये अविज्ञान लोगों को गुमराह करता है और छत्तीसगढ़ सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि जो व्यक्ति को ज़रूरत है दवा के रूप में शराब की, उन्हें शराब पहुंचाना गलत काम नहीं है। मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी बात समझा पाने में समर्थ हुआ होऊंगा। आप कोविड के समय में स्वस्थ रहें, और यदि कोविड यदि आपको हुआ है तो घबराएं नहीं। 85-90% व्यक्ति जो है ये कोविड से वापस आ जाएंगे और स्वास्थ्य लाभ करेंगे, मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो ये थी बुलेट हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलेट हिंदुस्तान के साथ।